Hey guys, good morning and welcome to Explorer Yadav. So एक long weekend आने वाला था और मैंने और पांडे ने डिसाइड किया कि क्यों ना काम से छुट्टी लेके कहीं दिल्ली के आसपास घूमने जाया जाए। सो हमने डिसाइड किया हम लोग जाएंगे ऋषिकेश, क्योंकि ये दिल्ली के पास पड़ता है और छुट्टियां उतनी थी नहीं। सो जिस दिन निकलना था उसके एक दिन पहले मैं आ गया था पांडे के यहाँ ताकि सुबह निकलने में हमें देर ना हो। पर देर आखिर हो ही जाती है। तो ये 3 दिन की जर्नी हमारी, आप लोग इन्जॉय करो। ये है day 1 ब्लॉग, ऐसे ही day 2 and day 3 भी लेके आऊँगा मैं, तो बने रहो साथ में और इन्जॉय करो एक्सप्लोरर यादव को। पंडित कैसा लग रहा है? अब ये काम रह गया हम दोनों का। सवा सात हो गए, अभी तक निकल नहीं पाए। निकलने का जो हमने सोचा था 6:30-7 बजे तक था कि निकल जाएंगे और वहाँ पे लंच टाइम तक पहुँच जाएंगे, बट यार 8:30 हो गए निकलते हमें। एंड जो रूट रहेगा वो निज़ामुद्दीन, वहाँ से मेरठ एक्सप्रेस, फिर बाईपास करना है हमें मुजफ्फरपुर, फिर रुड़की बाईपास एंड देन हरिद्वार और फिर अपना सीधा डेस्टिनेशन ऋषिकेश। तो चलो आगे मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस 10 बज गए और अभी जस्ट मेरठ क्रॉस किया है, गन्नों को भूख लग गई। भूख नहीं लगी, बच्चे ऐसे ही होते हैं, इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने को रास्ते में जब जाते हैं। तो टूटी भी पीछे से रो रही है। तो फाइनली 3 घंटे की ड्राइव, 12 बज चुके हैं, 8 बजे निकले थे। गन्नू पकड़ा उसको एंड अभी एक स्टॉप लिया मन्नत ढाबा करके है और यहाँ से ऋषिकेश 101 किलोमीटर रह गया है बस। 3 घंटे मतलब 1.5 घंटे के आसपास और लगेगा हमें। तो पांडे कैसा लग रहा है अभी तक? जर्नी तो ऑसम लग ही रही है। और इधर थोड़ी सी ट्रैफिक है क्योंकि दिल्ली रोड पे सिर्फ दिल्ली NCR की गाड़ी है। एक दो अगर 100 गाड़ी है तो 100 में से एक गाड़ी है मुजफ्फरपुर या फिर मेरठ की होगी, नहीं तो 99 गाड़ियां दिल्ली NCR की है भाई। तो हमने ऑर्डर किया है बटर मसाला डोसा और पराठे किए थे होटल वाले, लेकिन खाना बहुत ही बेकार है, घटिया एक नंबर का। अभी पांडे अच्छे से रिव्यू देगा। गाइस पियोगे? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, ठंडा है। गन्नू ने डोसा खाए, 2 डोसा खा लिए इसमें। जो चीज़ें अच्छी होती है वो अच्छी लगती है। मैंने 1.5 खाया है, 1 और आधा। 1 और आधा खा गया, बट वो तो अच्छा नहीं था खाना। कैसा था पार्टी खाना? अच्छा ज़्यादा नहीं था, ओके ओके था। गाइस ये जान कुछ क्यों गिर रही है, इसको देखो। लस्सी भी उठ के छीनी है। तो अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो तो मन्नत ढाबा का वेट मत करो, इनके 3-4 होर्डिंग्स आएंगे हमने सोचा। बिल्कुल नहीं। तो जिस हिसाब से होर्डिंग्स लगे हुए थे इनके, मन्नत ढाबा 10 मिनट में, फिर 5 मिनट में, 4 मिनट में, कि बहुत बड़ा होगा कुछ ब्रांड वगैरह, बट ऐसा वैसा नहीं है यहाँ पे। इससे अच्छा गणपत करके है
उस पर जा सकते हो। लास्ट टाइम उस पर हमने खाया था, अच्छा था। लॉन्ग वीकेंड पे अगर आओगे ना तो ये हाल होगा, ये देखो। और गाइस को जाम देखो, देखो कितना लंबा लगा है। 19 मिनट का डिले है इस जाम में और यहाँ से बस 80 किलोमीटर रह गया है और उसमें हमें 3 घंटे लगने वाले हैं इस जाम में। 79 किलोमीटर 2 आवर्स 50 मिनट। पूरा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा सब इधर ही आ गया। गाइस देखो कितना बड़ा सा ओम लिखा है। तो ऑलमोस्ट ऋषिकेश पहुंच गए, बस यहाँ 7-8 किलोमीटर है एंड आगे फाटक लगी हुई है। तो जा रही है ट्रेल, ले लो दिख रही होगी। चल गए लोग, जब तक बंद है गाइस ये क्या हुआ? गमछा खुल गया। हे प्रभु, हे प्रभु। अभी रास्ते में है जो हमारा टाइगर रिजॉर्ट है उसके एंड ऑलमोस्ट नो। और यहाँ पे एक पॉइंट मिला, एक बहुत बढ़िया सा। अभी रुको जूम करता हूँ मैं, इसमें जूम हो नहीं रहा। और इधर का व्यू चेक आउट करो, कितना मस्त है। ये सारे गाइस, ये क्या हुआ प्रभु? हे प्रभु, हे हरिरा, ये क्या हुआ? तू चुप हो गया गंदे जूते सब जूते गंदे हो गए दोनों आ रहे हैं गंदे हो गए आ गई तो बस यहाँ से जो हमारा रिजॉर्ट है वो नीलकंठ में पड़ता है ऋषिकेश से थोड़ा सा और ऊपर 27-28 किलोमीटर। यहाँ पे एक अच्छा व्यू पॉइंट मिला तो हमने रुक के सोचा एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि जाते जाते शाम हो जाएगी। ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, 4 ही बजे। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर रिजॉर्ट। ये है टाइगर रिजॉर्ट यहाँ पे और इसके बगल में व्यू देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। अभी जस्ट पहुँचे ही हैं, गाड़ी पार्क की है और पांडे गए वो कॉटेज वगैरह देखने, कौन सा कॉटेज बुक्ड है। थोड़ा बहुत सामान ले गया, अभी वापस आएगा फिर उसके बाद सामान शिफ्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कॉटेज अपना और रिसॉर्ट। जैसा मैंने बताया अभी पहुंच चुके हैं अपन रिजॉर्ट में और सीधा आते ही मतलब लंच हमने बोल दिया था यहाँ पे लंच के लिए, तो उन्होंने लंच बना के रखा था। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अंधेरा बहुत हो चुका है यहाँ पे। बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ, अभी गाने वाने चल रहे, कॉपीराइट आ सकता है। तो ये तो कितना सेक्सी सा माहौल हो रहा है वैसे बाहर यहाँ पे, ये पूरा लॉन बना हुआ है, वहाँ गाने चल रहे हैं, उधर बॉन फायर होगा थोड़ी देर में एंड ये टेंट है और इस तरफ सारे कॉटेजेस हैं, सारे ये सब कॉटेज है और उधर वाले टेंट है, वो तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड ये है मेरा जवान टाइगर 4 नंबर, ठीक है, ऐसे खोलते हुए नहीं दिखाया मैंने। तो ये आए अपन, ये टाइगर रिजॉर्ट है तो टाइगर बना हुआ है, एक डबल बेड है इधर, एक सिंगल बेड है
एंड ये कर्टन्स वगैरह लगे हैं, खिड़की स्लाइडिंग विंडो है, फिर एक ये बैठने को है, इसको वो भी बना सकते हो, बेड बना सकते हो इसको पूरा खोल के। ये दूध, एक बढ़िया सा मिरर है हमारे पास में और गुड नाइट ऑलरेडी लगाया हुआ है यहाँ पे, एसी है, फैन है एंड ये वॉशरूम है और ये है वॉशरूम। सो बहुत ही बढ़िया है, कॉटेज वाइज देखा जाए, रिजॉर्ट वाइज देखा जाए तो बढ़िया है, बाकी पहाड़ों में इसी तरह की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इस तरह की नहीं इस तरह की। और पांडे का है शायद 7 नंबर है उसका, सेम ही है सारे, ठीक है आइडिया लग गया होगा इस तरीके का। ये कौन सा है, वन है या टाइगर रिजॉर्ट है? और बाबा कैसे हो, तेरे कितना मस्त बंदा है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ होम नहीं, एग्रीकल्चर। अच्छा मिनिस्ट्री। संजय सिंह से मिलो। प्रभाकरण सिंह देन अंकुरी मनाजा फातिमा। अरे यार बहुत टफ नाम रखे हैं यार लोगों ने। भाई तुम्हारे लिए स्पेशल अपील है, देखो ये प्लूटो, और ये प्लूटो का बाप, ये प्लूटो का बाप, हाय हाय प्लूटो की मम्मी, प्लूटो की मम्मी। पहले मैं लूं तो फिर आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इधर व्लॉग चल रहा है, आप सेल्फी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके आ जाओ इधर, आ जाओ सही से आ जाओ। नहीं भैया, अरे आप बाहर हो जाओगे व्लॉग से, लेट ही साथ में आ जाओ बाबा। यार ये लोग मुझे दिल्ली से मिले यार, बहुत बढ़िया बंदा है यार, मजा आ गया इनसे मिलके, मेरे को मिलके बहुत हमें मजा आया, बहुत बोले हुए हैं, हम चाहते हैं कि फिर से मिले हमें, और उनकी हर एक चीज, हर एक बातें, और बहुत अच्छा लगा। प्लीज आप इनका हर एक चीज सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। ठीक है बाबा, चलो मिलते हैं, कल मिलेंगे, ठीक मेरी सारी बीटेक की यादें ताजा हो गई यार यहाँ पे आके, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक था, बहुत ज्यादा खतरनाक था यार। हाँ भाई कैसा लगा पार्ट 1 ऋषिकेश का, तो ऐसे ही पार्ट 2 और पार्ट 3 भी है, तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके जाना, शेयर लाइक सब्सक्राइब सब, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय गाइस, बाय।